नमस्कार सबको, मेरा नाम नवेंदु है। हालांकि ये एक थोड़ा ऑफ बीट टॉपिक है, सबने प्यार करा लिया, सब बचपनों में घूम लिए, स्टैंड अप भी हो गया, तो इसके लिए सिर्फ मेरी एक दरख्वास्त है कि सब अपनी आंखें बंद करके जो मैं बोल रहा हूँ उसको इमेजिन करना, और एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से जो मैं बोलने चाह रहा हूँ, जो चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ उसको फील करने की कोशिश करेगा, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। वो शाम ज़रा कुछ अलग सी लाल थी, लग रहा था जैसे लपटों में कहीं उठ रही आग थी। वो शाम जरा कुछ अलग सी लाल थी, लग रहा था कहीं लपटों में उठ रही आग थी। चौक पर रोजमर्रा सी गहमा गहमी न थी, और फव्वारे की टेकले सजी रेड़ियां पड़ी सूनी सी थी। सेठ की दुकान की मिठाई पर मक्खियां भी ना बैठ रही थी, और झिलमिलाती इस रोशनी में भी ये शाम बेरंग सी लग रही थी। चौक के पश्चिम में कहीं भीड़ लग रही थी, क्योंकि आईने के सामने एक अबला औंधे मुंह गिरी पड़ी हुई थी। आईना देखा जब उसने तो घबरा गई। अलग दिन ना था उसके लिए, पर ना जाने क्यों आज उसे इस जिंदगी पर घिन आ गई, इस समाज पर घिन आ गई। रोज का एक रिवाज था, होता कोई अलग, कोई अनजाना, अनदेखा उसके साथ था। कभी नज़ाकत से, कभी अदब से, कभी प्यार से, तो कभी हवस से उस छुआ उसे जाता था। खिलौना तो थी ना वो, पर केल उसे हर वो शख्स भूल जाता था। निकले जो बाजार में तो ये नजरें उसे छेड़ती थीं, उसे छेदती थीं। निकले जो बाजार में तो नजरें उसे छेड़ती थीं, उसे छेदती थीं। लगता था इन नजरों से ये दुनिया, इन नजरों से ये दुनिया उसकी आबरू से खेल रही थी। छूने को उसके जिस्म को मौके हजार ढूंढ रही थी। न सोचे कभी ये कि उस बेचारी पर क्या बीत रही थी। कभी इठलाती उसकी जवानी भी थी, पर आज उसकी हर आवाज में, हंसी में, उसके हर आंसू में एक छुपी कहानी सी थी। न वो समझ पाई इस दुनिया के ताने बाने को, और ना इस समाज ने उसे समझने की जहमत उठाई थी। डाल पल्लू कंधे पर लपटों सी लाल, आज सबके सामने वो सवाल बन खड़ी थी, हजारों सवाल लिए खड़ी थी। दोगली इस दुनिया की रीत की जीती जागती मिसाल खड़ी थी। अब ये उसका मोनोलॉग है, उसका साइड है कि वो क्या कर रही है। क्या गुनाह है मेरा, यही ना कि जिस्म बेच के पेट पालती हूं, बस इतना सा। अरे अगर तुम सब में इतनी हवस ना होती तो आज ये बेटी यहां तवायफ बन खड़ी ना होती। अगर तुम सब में इतनी हवस ना होती तो आज ये बेटी तवायफ बन यहां खड़ी ना होती। और अगर तुमने अपने अंदर के जानवर को पनपने ही ना दिया होता, अगर अपने अंदर के जानवर को पनपने ना दिया होता तो ये बेटी अपनी इज्जत पे सिकी रोटी खाने के लिए मजबूर ना होती। आज अगर तुमने मुझे हाथ लगाने के बजाय आगे बढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाया होता तो आज ये बेटी तवायफ ना कहलाती, और मुझ पर पैसों के रूप में तुमने अपनी आग ना शांत की होती तो आज ये बेटी एक सशक्त लौ बनकर हर किसी के सीने में धधक रही होती। हाँ, हूं मैं एक धंधे वाली, हूं मैं एक तवायफ, और करती हूं इन जैसे दोगले नकली कहलाने के मर्दों की भूखों को शांत। क्यों? क्योंकि मैं एक तवायफ, एक धंधे वाली अपने संसार की बेटियों का उद्धार करती हूं, इनकी हवस को शांत करती हूं, और मैं इसी से दो वक्त की रोटी खाकर अपने पेट को पालती हूं। थैंक यू।